ओके तो ये फ्रेम रिले पार्ट टू है। बीच में हमारा कनेक्शन ऑफ हो गया था तो मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ कि आर वन पे ये कोडिंग थी, आर टू पे ये। अभी हमने क्लियर फ्रेम रिले इन आर्प वाला यहां तक किया था ना, यहाँ वीडियो बंद हो गई थी हमारी, मैंने वहीं से दोबारा स्टार्ट किए। देखो अब मुझे मैनुअल स्टैटिक मैपिंग के लिए क्या करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये मेंशन करना है कि आर वन की जो मैपिंग टू थ्री फोर के साथ होगी वो कैसे होगी। अब आर वन अपने डीएलसी कैसे यूज करेगा, 102 103 104 ऐसे यूज करेगा ये। टू वाला जो डीएलसी होगा वो क्या है, 2 1 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है। उसके बाद 301 302 and 304, और जो 4 वाला है वो मैपिंग कर सकता है, मतलब वर्चुअल सर्किट बना सकता है 401 402 403। मैं चलता हूं जी आर वन पे। आर वन के ऊपर इंटरफेस के अंदर जाके ही मुझे कमांड लगानी पड़ेगी, फ्रेम रिले मैप आईपी। तो मैं 192.168 अगर 1.2 के साथ मैपिंग करना चाहता हूं तो मुझे डीएलसीआई मैनुअली लिखना पड़ेगा और साथ में एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट। अब मैंने ब्रॉडकास्ट क्यों लगाया, अगर मैं नहीं भी लगाऊं तो ये चल जाएगा काम, क्योंकि जब हम इसके अंदर फ्रेम रिले के अंदर राउटिंग करेंगे बिना ब्रॉडकास्ट से ये रूट फॉरवर्ड नहीं करेगा। अब सेम फ्रेम रिले मैप आईपी 3 के लिए 103 डाल दिया रूट और 4 के लिए 104 रूट डाल दिया। पिछली वीडियो में मैंने इससे पीछे तक करवाया था तो ये साथ में ही करना, तो मैंने इसको लिख दिया यहां पर। अब मुझे जाना है जी राउटर नंबर 2 के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर चलता हूं। अब इसने भी क्या करना है, फ्रेम रिले मैप आईपी पहली मैपिंग ये 1 के साथ करेगा 201 ब्रॉडकास्ट, दूसरी मैपिंग 3 के साथ करेगा तो 203 आ जाएगा यहां पे, और उसके बाद मैपिंग करेगा जी 4 के साथ तो 204 आ जाएगा यहां पे। मतलब है इजी है, हम मैपिंग खुद ब खुद करवा रहे हैं इसकी। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हर्ष सर, तुसी आर वन पे शायद गलत मार लाती हो, जेड़ा फोर वाला से 104 आना चाहिए। मैंने शायद गलत लगा दी, ओके ओके सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू। यही बात में दिक्कत करते हैं, मैंने फास्ट फास्ट लगा दी थी। तो 1 ने अगर 4 पे जाना है तो 104, तो यहां पे भी गलत आया होगा, थैंक यू। ओके तो 1 वाले राउटर या तो 2 पे जा सकता है 3 पे और 4 पे, 2 वाला आपका 201 203 204। अब चलते हैं जी तीसरे नंबर राउटर के ऊपर। अब ये सिंगल वीडियो नहीं रहेगी, अब ये पार्ट 2 सेंड करूंगा मैं आपको, फ्रेम रिले मैप आईपी। तो 3 वाला राउटर पहले जाएगा 1 पे 301 ब्रॉडकास्ट, फिर जाएगा जी 2 पे 302 ब्रॉडकास्ट, फिर जाएगा 4 पे 304 ब्रॉडकास्ट। पर एक चीज ये भी है कि फ्रेम रिले के अंदर जब तक आप अपने राउटर को, मतलब अपने आईपी को भी मैप नहीं करवाते हो तो वो क्या होता है, अपने आप से भी पिंग नहीं करता। ये मैं पहले कर लेता हूं पूरा, फिर उसके बाद आपको बताता हूं। ये किया मैंने फ्रेम रिले मैप आईपी 192.168.1.1401 ब्रॉडकास्ट, 1.2 के लिए करना है तो 402 ब्रॉडकास्ट, 103 के लिए करना है तो 403 ब्रॉडकास्ट। देखो ये जो मैंने ब्रॉडकास्टिंग की है ये हो गई आपकी फुली मेश। अगर आप इसको फुली मेश की बजाय पार्शियल मेश रखना चाहते हो, मतलब आपकी इच्छा है, पार्शियल मेश का मतलब है 1 की सभी के साथ करवा दो, 2 की 1 के साथ, 3 की 1 के साथ, 4 की 1 के साथ, ऐसे करा दो। अब मैंने सभी की सभी के साथ करवाई है तो ये बन गया आपका कंप्लीट, जिसको बोलते हैं फुल मैश फ्रेम रिले, बट ये रहेगा स्टैटिक मैपिंग के साथ।
अब फर्क कैसे पता चलेगा? पहले जो हमने शो फ्रेम अर्ले मैप लगाया था, अच्छा ये अभी अपडेट हो रहा है, हर्षदीप ने जो अभी बताया था गलती ठीक करवाई थी वो अभी अपडेट हो रहा है। शो रन चेक कर लेते हैं जी उसे। अच्छा ये अभी कमांड ही नहीं लगी, मैंने तो कर दिया था कमांड वैसे। इंटरफेस सीरियल 1/0, अच्छा मैंने नो लगा दिया लेकिन आगे उसके सॉरी फ्रेम रिले नहीं लगाया था। लो जी स्टैटिक डायनेमिक की जगह आ गया स्टैटिक, तो डायनेमिक की जगह स्टैटिक आ गया, मतलब ये पिंग कर सकता है 192.168.1.2 के साथ, 1.3 के साथ, 1.4 के साथ। लेकिन अगर इसने खुद के साथ पिंग किया तो वो नहीं होगा, क्योंकि फ्रेम अर्ले का रूल ही यही है कि अपने साथ भी अगर मुझे पिंगिंग करनी है तो उसके लिए भी मुझे मैपिंग करनी पड़ेगी। चलो ये तो मैं वैसे बता रहा हूं आपको, जरूरत तो नहीं है वैसे, ऐसे अपने ही आईपी के साथ मैप आईपी 192.168.1.1.101 ब्रॉडकास्ट, अगर आपने ये मैपिंग कर ली थोड़ी देर के बाद देखना ये आपस में अपने आप से भी पिंग करना शुरू कर देगा 192, अभी नहीं कर रहा ये, मतलब अपने आप से पिंग करने के लिए भी आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप विदाउट मैपिंग इसके साथ कर सके। चलो थोड़ी देर के अंदर हो जाएगा, ये सक्सेसफुली हो जाएगी पिंग इसकी। फ्रेमरले और एक चीज और है, फ्रेमरले आपकी स्लो टेक्नोलॉजी है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ये फ्रेमरले स्लो है। आजकल हम MPLS यूज करेंगे, आगे MPLS करेंगे या उससे भी आगे टेक्नोलॉजी चलेगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था इसको पुरानी वीडियो से मैच कर लेना, ये स्टैटिक फ्रेमरले है और आधी वीडियो पिछले वाली में बन चुकी है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ फ्रेमरले पार्ट 2 के साथ।